नमस्कार, सिनैप्स ब्रेन और स्पाइन फाउंडेशन के जन जागरूकता और लोक शिक्षा के उपक्रम में आप सभी का स्वागत है। हम लोग हर हफ्ते आपके लिए एक नया वीडियो लेके आते हैं जो न्यूरोसर्जरी इस विषय से जुड़ा हुआ होता है। आज भी हम लोग ग्लॉसोफेरेंजियल न्यूरालजिया से पीड़ित एक मरीज से मुलाकात करने वाले हैं। इस बीमारी में गले के आधे हिस्से में और एक कान के अंदरूनी हिस्से में बहुत तीव्र वेदनाएं होती हैं। ये वेदनाएं निगलते समय या कुछ खाते समय बहुत ही तीव्र होती है। तो मिलते हैं इस मरीज से, देखते हैं इनका अनुभव क्या है। आपका नाम बताइए। तात्याराव बबनराव बिरादार। एज? उम्र 65 साल। आप काम क्या करते हैं? एमएससीबी में सर्विस करता था, अभी सेवानिवृत्त हो गया। आपको तकलीफ क्या हो रही थी पहले? मुझे कान में एकदम से चमक आती थी, कान से दर्द उठता था और वो चमक गले तक आती थी। कभी कभार जब मैं थूक निगलता था तो गले से चमक उठ के कान में जाया करती थी। कितने साल आपने ये सहन किया? 5-6 साल ऐसा ही चला। कौन से साइड पे होता था? दाहिने बाजू। जब ये शुरुआत हुई तब आपको कान में ही पेन होता था क्या? नहीं नहीं, ऐसे चमक आती थी और थूक निगलते वक्त भी बहुत परेशानी थी। पानी नहीं पी सकता था, खाना नहीं खा सकता था। सिर्फ पानी पीते समय ही आपको ये तकलीफ थी? नहीं, सभी समय, जैसे खाना खाते समय, थूक निगलते समय, पानी पीते समय, मुंह खोल भी नहीं सकता था। तो आपने कौन से डॉक्टरों को विजिट किया? मैंने निलंगा गांव में दिखाया था, एक महीना उनका ट्रीटमेंट चला पर कोई असर नहीं हुआ। फिर लातूर में भी 1-1.5 साल तक दिखाया था, 2-3 अलग अलग डॉक्टर को दिखाया था पर फिर भी कुछ फायदा नहीं हुआ। फिर पुणे में आ गया, पुणे में भी एक डॉक्टर को करीबन 3 साल तक दिखाया, वहां पे भी फर्क नहीं। तो आपके लिए जीना भी दुश्वार हो गया ऐसा लग रहा था? फिर जिंदगी जीना दुश्वार हो गया था। तब आपकी उम्र भी कम होगी ना, 55 साल वगैरह की? 59 साल में मेरा ऑपरेशन हो गया और 60 साल में मेरी रिटायरमेंट। और जब यह दर्द शुरू हुआ तब मैं 55 साल का था। जब आपको ये कान में दर्द होता था तो दिन में कितनी बार होता था? शुरुआती के समय ये दर्द 4-5 बार आता था दिन में। धीरे धीरे करके दर्द बढ़ता गया और लास्ट में इतना बढ़ गया कि 1 सेकंड भी नहीं रुकता था, तो सब काम बंद ही हो गया था। तो आपको कोई भी दवाई से भी फर्क नहीं पड़ा? कुछ फर्क नहीं हुआ, गोलियों से कुछ फर्क नहीं पड़ा। एका दूसरा दिन ठीक लगता था, वापिस से दर्द शुरू हो जाता था। दवाइयों के कुछ साइड इफेक्ट्स आपको महसूस हुए? गोलियों के साइड इफेक्ट्स के तरफ मेरा कभी ध्यान ही नहीं गया। मेरा हर समय ध्यान इस दर्द के ऊपर ही रहता था। इस उम्मीद में था कि दूसरे किसी डॉक्टर में दवाई दी तो फायदा होगा क्या, और इसी के बारे में सोचता रहता था। 5-6 बरस के बाद आखिर में मुझे जयदेव सर के बारे में पता चला और फिर मैं यहाँ आ गया। आपका ऑपरेशन कब हुआ है? मेरा ऑपरेशन 2019 में हुआ, जुलाई महीने में। पहले के डॉक्टरों ने आपको क्या तकलीफ हुई है ऐसा बोला था? वो कुछ नहीं, कुछ बोल रहे थे कि नस ब्लॉक है, तो कुछ लोगों ने दवाइयाँ दी और कुछ लोगों ने इंजेक्शन भी दिए। ऐसे वो पुणे में जो डॉक्टर थे ना, उन्होंने उसे कुछ ज्यादा असर नहीं हुआ। जब आप पंचवाक सर के यहाँ पे आई तो उन्होंने आपको बोला कि आपको ग्लॉसोफेरेंजियल न्यूरालजिया की बीमारी है, जो बीमारी खाने की नस को अफेक्ट करती है, तो उसके लिए उन्होंने ऑपरेशन कहा था। तो ये ऑपरेशन का निर्णय आपने तुरंत लिया? हाँ हाँ, तुरंत 2 दिन में निर्णय लिया। सर ने मुझे बताया आप थोड़े दिन तक ये गोलियां लीजिए और ऑपरेशन की तैयारी में जुट जाइए। उन्होंने मुझे समझाया कि ऐसी परिस्थिति अभी है, आपका नियोजन करके यहाँ आ जाइए, 99% इसमें सुधार हो सकता है, ये दर्द पूरी तरह से ठीक होने की संभावना है। तो ठीक है बोल के मैं लातूर वापस चला गया, निलंगा गांव में अपने, और तुरंत ही दूसरे दिन यहाँ पे आके एडमिट हो गया और फिर मेरा ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन खत्म हो जाने के बाद कितनी देर से आपको उसका फायदा हुआ? तुरंत ही मुझे असर दिखाई दिया। अभी आपको जब आप निगलते हो या फिर कुछ खाते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं?
कुछ नहीं, कुछ भी परेशानी नहीं। ऑपरेशन के पहले आपको जो ये तकलीफ होती थी उससे आपको क्या क्या परेशानियां सहना पड़ी वो थोड़ा बताइए। बताने जैसी स्थिति नहीं थी मैडम, एकदम आखिर के छोर पे खड़ा था। थूक नहीं, पानी नहीं, कुछ भी निगल नहीं पाता था। खाना भी खाना बंद हो गया आखिर में, खाना छोड़िए पानी तक नहीं पी पाता था। तो बोलना भी नहीं आ रहा था, मतलब मुंह ही नहीं हिला पाता था। अभी ऑपरेशन होके 2 साल पूरे हो, 2 या 3 साल पूरे हो गए हैं ना, और इन 2 बरस में एक भी बार आपको कुछ भी तकलीफ हुई नहीं, सही है ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, एक भी बार मुझे दर्द नहीं हुआ है। तो आप खा पी के एकदम मस्त है, एकदम अच्छा महसूस कर रहे हैं अभी? मैं बहुत खुश हूँ, अभी 100% ठीक हो गया। As you must be knowing, we have a very well managed MVD center. MVD surgeries are done for trigeminal neuralgia, hemifacial spasms, and glossopharyngeal. Trigeminal neuralgia is a very severe pain on one side of the face. It is also called as a suicide disease. Hemifacial spasms are spasms on one side of the face, wherein when a person starts speaking, then the face moves like this. On one side, either this side or this side. Glossopharyngeal neuralgia is a neuralgia when patient tries to swallow something. There is a very severe pain in the throat or in the ear. So for this, there is a surgery called as microvascular decompression. And I think I can say with pride that our team has been working in this field for the last 15 years. The total MVDs for trigeminal neuralgia, hemifacial spasms and glossopharyngeal neuralgia, the number I think has crossed 1300, which for this disease is a very large number. And we have follow-up of all these patients. That is very important.